सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं अभिनव, और आज हम यहाँ पर देखेंगे 18th of January 2019 के वहाँ पर जितने भी इंटरफेस के क्वेश्चन होंगे उस सभी को इस वीडियो में। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे कल के सवाल की, तो कल का हमारा सवाल था कि अमा घरे LED योजना नामक योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उड़ीसा। अब चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल के साथ। हमारा आज का पहला सवाल है कि 16 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर VAF शुरू किया गया, इसके अंतर्गत भी का अर्थ क्या है। तो भी का जो यहाँ पर सही अर्थ है वह क्या है, वोटर। बात करें यहाँ पर तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 जनवरी 2019 को मतदाता जागरूकता मंच यानी वोटर अवेयरनेस फोरम, जो कि VAF का फुल फॉर्म है, यह शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो वहाँ पर मतदाता को जागरूक करने के लिए वहाँ पर अलग अलग चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए वहाँ पर क्विज प्रतियोगिता और अन्य आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से जो वहाँ पर लोगों के बीच इलेक्शन को लेकर या कहे वोटिंग को लेकर वहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो यहाँ पर हमारा सवाल है वह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी ESG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी KM नटराज और संजय जैन, इन दोनों को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन और KM नटराज को सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी ASG के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया है। इससे पहले अप्रैल 2015 में नटराज को दक्षिणी क्षेत्र के लिए ASG के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि संजय जैन को 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए ASG के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात करें अगले सवाल की, तो हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लिंगापा नारायण स्वामी। बात करें यहाँ पर तो लिंगापा नारायण स्वामी को 17 जनवरी 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी ने की। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के अगले सवाल की। तो आज का जो हमारा अगला सवाल है वह हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रभात सिंह। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रभात सिंह को वहाँ पर 17 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अंतर्गत महानिदेशक के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में प्रभात सिंह जो है वह CRPF के विशेष निर्देशक हैं। इनकी जो सेवानिवृत्ति है यह 30 अप्रैल 2020 तक के लिए इनको वहाँ पर NHRC के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो पहली भारतीय महिला जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए वहाँ पर नामित किया गया, तो इसका जो सही आंसर यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है अब पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं जिनको वहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। 2019 के लिए जो वहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कॉम्बैट श्रेणी में इनको वहाँ पर नामांकित किया गया है। 2018 के अंतर्गत उन्होंने वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि जकार्ता में एशियन गेम्स के अंतर्गत भी वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो PM मोदी कहाँ 19 जनवरी 2019 को सिनेमा के लिए भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में वहाँ पर सिनेमा के भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय यानी NMIC का वहाँ पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यह संग्रहालय का निर्माण जो है वह श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति के द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो अगला जो यहाँ पर सवाल है वह बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा वहाँ पर 1 फरवरी 2019 से लेकर 21 फरवरी तक वहाँ पर सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत APL ने
बीपीएल श्रेणी के सभी मरीज जो हैं वहाँ पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है मुख्यतः जो है मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो दूसरा विश्व संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि है नागपुर। नागपुर वैसे भी संतरा के लिए फेमस है और इसका सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो कि है नागपुर। 18 जनवरी 2019 को नागपुर में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य संतरा के निर्यात को बढ़ाना है। अब इसके बाद बात करें अगले सवाल की, तो अगला जो पर हमारा सवाल है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी जो कि है अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 17 जनवरी 2019 को अहमदाबाद में सुपर स्पेशलिटी पब्लिक हॉस्पिटल का वहाँ पर आरंभ किया गया, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। यह अस्पताल जो है वह अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा बनवाया गया। इसके अंतर्गत तकरीबन 1500 बिस्तरों वाला यह अस्पताल एक किफ़ायती मूल्य पर विश्व स्तरीय सेवाएँ प्रदान करेगा, साथ साथ यह आयुष्मान भारत से भी यह संबंधित होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर्स अब बात करते हैं हमारे आज के सवाल की। जैसे में आज का जो हमारा सवाल है वह जय किसान ऋण मुक्ति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका आंसर आपको हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे में बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले हर वीडियो की अपडेट देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।